यार शो नहीं कर रहा। जी आ रही है आवाज? नहीं आ रही। ओके अच्छा, बात हो रही थी जनरल आर्टिकल की, कि एक बहुत ही बेसिक लेवल का आर्टिकल जिसमें हम ये देखते हैं कि मुझे किस तरह से डेटा सर्च करनी है। राइटिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना, वो आपकी डेटा सर्च होती है। हम जब भी यूनिवर्सिटी के लिए कोई असाइनमेंट लिखते हैं तो हमें उसके लिए डाटा चाहिए होता है। हमने कोई बात करनी है, कोई बुक लिखनी है, कुछ भी लिखने में डाटा चाहिए होता है। इनफैक्ट एसे लिखना है, कोई भी चीज लिखनी है तो डाटा रिक्वायर होता है। डाटा सर्च में आप जितना कम वक्त लगाएंगे उतनी आपकी बचत होगी। पहले क्या होता था कि लोग, अभी भी रूल है कि सर्च ज्यादा करो और मेहनत उसके बाद आपकी कम हो जाती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि उस सर्च या उस रिसर्च में भी आप जितना कम टाइम लगाएंगे तो उतना बेहतर रहेगा आपके लिए। एक इफेक्टिव वे से, एक स्मार्ट वे से सर्च करें। पढ़ना आपको पड़ेगा, ये तो शर्त है। जितना आप पढ़ने की आदत डालेंगे ना कॉन्टेंट को, उतना अच्छा आप लिखने के काबिल हो जाएंगे। तो आर्टिकल जब लिखा जाता है, जनरल आर्टिकल, उसमें किन चीजों का सबसे ज्यादा ख्याल किया जाता है लिखते हुए? कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने स्क्रीन पे हाईलाइट किए हुए हैं। नंबर वन, यूज स्मॉल सेंटेंस, नॉट मोर देन 20 वर्ड्स। आप 20 से ज्यादा अल्फाज नहीं लिखेंगे कभी भी अपने किसी पैराग्राफ के अंदर, किसी सेंटेंस के अंदर। टारगेट ये रखना है कि 15-16 अल्फाज लिखने हैं, लेकिन बाज दफा इंसान टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा होता है तो 20 अल्फाज तक चले जाते हैं। 20 से 21 जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये प्रैक्टिस बेसिकली SEO कंटेंट के लिए की जाती है, लेकिन मैं जनरल आर्टिकल में इसलिए करवाता हूँ ताकि आप जब SEO की तरफ जाएं तो आपको मुश्किल ना हो, आपको पहले से ही आदत हुई हो कि मैंने शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करने हैं। ये जितनी प्रैक्टिसेस मैं बता रहा हूँ ये सारी की सारी SEO कंटेंट के लिए यूज होती है, लेकिन मैं जनरल में ही आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ ताकि आपको आदत हो जाए कि मुझे अल्फाज लिखते हुए इन चीजों को फॉलो करना है। उसके बाद सेंटेंस स्टार्टर यूज करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, जॉनी इज गोइंग टू स्कूल। अगला सेंटेंस में फिर शुरू करता हूँ, जॉनी इज अ वेरी गुड बॉय। तीसरे में लिखता हूँ जॉनी। चार सेंटेंस जॉनी से स्टार्ट कर रहा हूँ। गूगल कहता है नहीं, ऐसी फनकारी बिल्कुल नहीं करनी। जॉनी इज गोइंग टू स्कूल, ही इज अ वेरी गुड बॉय एंड ही इज ऑल्सो लाइक टू प्ले फुटबॉल। अब वो ही एंड बट हाउएवर, यानी कि मुझे नाउन के बजाय प्रोनाउंस यूज करने हैं। मुझे बार बार एक ही लफ्ज को रगड़ा नहीं देना, मुझे एक ही लफ्ज को बार बार यूज नहीं करना। अगर हम एक लफ्ज बार बार यूज करेंगे तो इसको गूगल कहता है वर्ड्स स्टफिंग। एक अल्फाज को मैं बार बार जबरदस्ती स्टफ कर रहा हूँ और उस पर शायद मेरा कोई और मकसद है, तो गूगल इसको नेगेटिव कंसिडर करता है कि जब आप एक ही अल्फाज को बार बार यूज करेंगे तो आप बट यूज कर लो, हाउ एवर, मोर ओवर, इन एडिशन, इस तरह से डिफरेंट सेंटेंस स्टार्टर यूज कर लें। तो मेरे पास एक शीट पड़ी हुई है सेंटेंस स्टार्टर की, अगर तो वो मैं देखता हूँ अवेलेबल हुई तो वो शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। उसमें हर मौके के हिसाब से सेंटेंस स्टार्टर्स दिए हुए हैं, इवेंट्स के हिसाब से सेंटेंस स्टार्टर्स दिए हुए हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट आ जाता है पैराग्राफ्स, नॉट मोर देन 3 लेंथ और 45 वर्ड्स। छोटे पैराग्राफ्स यूज करने हैं। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल दिखाता हूँ, शॉर्ट पैराग्राफ्स आप लोगों ने यूज करने हैं ताकि रीडर को आप इजीली समझा सकें कि आप क्या बात करना चाह रहे हैं, और रीडर शॉर्ट पैराग्राफ पढ़ता है तो वो उसको इजीली डाइजेस्ट कर लेता है, समझ लेता है, और समझ के वो आगे पढ़ता है। अगर उसको स्टार्ट में समझ नहीं आएगा तो वो आपका कंटेंट छोड़कर चला जाएगा और कहीं और जाकर पढ़ लेगा। अब ये देखो, ये शॉर्ट पैराग्राफ है, ये मेरे नज़दीकी भी थोड़ा सा बड़ा है, ये वाला परफेक्ट पैराग्राफ है, ये 3 लाइन पे भी नहीं है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स मैंने हाईलाइट किया एक पैराग्राफ, ये एक स्टैंडर्ड लेंथ होनी चाहिए, आप फर्स्ट रन भी ठीक है। शॉर्ट पैराग्राफ, शॉर्ट लेंथ, इनफैक्ट जनरल आर्टिकल में भी हम इसी रूल को फॉलो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्टिव वॉइस नरेशन। हम पैसिव वॉइस कभी भी यूज नहीं करेंगे, एक्टिव वॉइस नरेशन में लिखेंगे जब भी लिखेंगे। बॉडी फॉन्ट साइज, बॉडी फॉन्ट से मुराद ये कि हम जो हेडिंग्स बनाएंगे पूरे आर्टिकल में या ब्लॉग पोस्ट में, सिर्फ और सिर्फ आपने जो फॉन्ट का स्टाइल रखा है 14, वो होगा आपके हेडलाइन का या मेन टाइटल का। उसके अलावा जितनी भी चीजों का आप साइज जो रखेंगे अल्फाज का, वो आपने 12 रखना है। हम एज अ राइटर ये काम करते हैं। फिर जब पोस्ट होता है वेबसाइट पे, फिर वो अपने हिसाब से पोस्टिंग हो रही होती है, वो उनकी सरदर्दी है, वो हमारी सरदर्दी नहीं है। वो पोस्टिंग में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से पोस्टिंग होती है, वहां पर साइज चेंज हो जाता है। उसके बाद ये मैंने कुछ फॉन्ट स्टाइल बताए हैं,
अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल यूज करते हैं, आप लोग पूरे कंटेंट में असाइनमेंट में एक फॉन्ट स्टाइल यूज करेंगे। अगर मैं कोई आपको असाइनमेंट देता हूँ कि आपने इतने 100 अल्फाज लिखने हैं, तो ये ना हो कि बीच में डिफरेंट स्टाइल यूज हो रहे हो, कहीं पे इटैलिक जा रहा हो, कहीं पे बोल्ड हुआ हो, नहीं, जो बोल्ड करने का कहा गया है सिर्फ उसी को बोल्ड करना है, जो इटैलिक करने का कहा गया सिर्फ उसी को ही इटैलिक करना है, और जो फॉन्ट स्टाइल बताया गया आपने उसी को फॉलो करना है। पूरे कंटेंट में हमेशा एक फॉन्ट रखना है, वो डिफरेंट फॉन्ट के साथ प्ले अभी नहीं करेंगे आप, वो बाद की बात है। उसके बाद डाटा सर्च का टॉपिक आता है, इसको भी हम साथ साथ परफॉर्म करेंगे। जनरल आर्टिकल, हर चीज का एक फॉर्मेट होता है, जैसे कुदरत का एक फॉर्मेट है, सुबह सूरज निकलता है और शाम को तुलू हो जाता है, फॉर्मेट है ना, चांद निकल आता है फिर चांद गायब भी हो जाता है फिर नया चांद बनता है, दिन रात का फॉर्मेट है, हर चीज का एक फॉर्मेट है, फूल खिलते हैं उसका एक फॉर्मेट है, तो इसी तरह राइटिंग में भी एक फॉर्मेट है, कुछ असूल हैं, इन असूल को आपने फॉलो करना है। हाँ, उस फॉर्मेट में अमेंडमेंट्स कर सकते हैं आप, लेकिन वो भी एडवांस लेवल पे जाके, अभी नहीं। टाइटल सबसे पहले आता है, टाइटल जो भी आपका टॉपिक होगा जिस भी बारे में, वो आपको क्लाइंट देगा। इंट्रोडक्शन, पूरे आर्टिकल का सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन आपका इंट्रोडक्शन होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग। अगर आपने स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन लिख लिया ना, तो वो रीडर मजबूर हो जाएगा आपके उस कंटेंट पे स्टे करने के लिए, और वो मजबूर हो जाएगा कि मैं यहाँ रुक के इसको मजीद पढ़ूं। सपोज हम कर रहे हैं कि हमने 750 वर्ड्स का आर्टिकल लिखना है, 750 लफ्ज का हमने आर्टिकल लिखना है, तो इसकी एक वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन होती है, चार चीजें आती हैं आर्टिकल के अंदर, वैसे पांच तीन है लेकिन चार ओवरऑल है टाइटल मिला के, टाइटल को आप निकाल देंगे टाइटल आपका वैसे ही आता है, ये वर्ड काउंट में शामिल नहीं होता। इंट्रोडक्शन, मैं जब इंट्रोडक्शन लिखूंगा तो 100 से 120 वर्ड्स, ये जो 100 से 120 वर्ड्स है ना, ये कांस्टेंट है। मुझे अगर 2000 लफ्ज का भी कंटेंट लिखना है ना, तो मैं इंट्रोडक्शन कितने वर्ड्स का लिखूंगा, 100 से 120। और रिकमेंडेशन एंड कंक्लूजन एंड सजेशंस, ये भी कांस्टेंट रहते हैं, इनका वर्ड काउंट भी कांस्टेंट रहता है, कि मुझे अगर 2500 अल्फाज का लिखना तो मैं रिकमेंडेशन कंक्लूजन सजेशन कितने वर्ड्स का लिखूंगा, 40-60 वर्ड्स का। तो ये चीज तो मेरी क्लियर होगी कि मुझे यहाँ पे 100 से 120 अल्फाज पूरे करने, यानी कि 40-40 वर्ड्स के तीन पैराग्राफ्स, और एंड पे 40 वर्ड्स का एक पैराग्राफ या 45 वर्ड्स का एक पैराग्राफ एट द एंड। अब गेम जो डलती है, वो डलती है मिड ऑफ द कंटेंट, मेरे पास जितने भी अल्फाज बच जाएंगे ना, तो सारे के सारे मैं बॉडी के अंदर एलोकेट करूंगा, बात समझ आ रही है, सारा का सारा अल्फाज मैं बॉडी में डाल दूंगा, अभी मैं लिखूंगा तो समझ आ जाएंगी चीजें। मुझे 750 अल्फाज लिखने हैं, तो पहले तो मुझे ये सोचना है 750 को मुझे कहाँ कहाँ लगाना है, तो मैंने माइंड बना लिया कि 750 में से 120 तो मैं निकाल दूंगा इंट्रोडक्शन के लिए, माइंड क्लियर हो गया, 750 में से माइनस हो गए, 40-60 में निकाल दूंगा कंक्लूजन के लिए, वो भी माइनस हो गए, और से 150 अल्फाज मैंने निकाल दिए। अब मुझे पता चला कि 600 अल्फाज रह गए मेरे पास, वो 600 अल्फाज में बॉडी जब लिखूंगा तो वहां पे लिखूंगा, तो वो जो तीन पोर्शंस होंगे ना, उन तीन पोर्शंस में मैंने अपने अल्फाज को डिवाइड कर देना। तो इससे क्या होता है, इससे हमारा माइंड जो है वो इस बात पे आ जाता है कि मुझे सिर्फ इस टॉपिक पे इसी पॉइंट पे 120 अल्फाज लिखने, फिर मुझे नेक्स्ट पॉइंट पे इतने अल्फाज लिखने, फिर नेक्स्ट पे इतने लिखने, तो वहां हमारा ज़हन क्लियर हो जाता है। अगर एक दिन में समझ नहीं आएगा तो हम जनरल आर्टिकल दोबारा प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर समझ नहीं आएगा हम दोबारा प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि अगर ये समझ आ गया ना, उसके बाद फिर एसईओ करवानी रह जाएगी आपको, समझ आ गया तो एसईओ ब्लॉग पोस्ट पे आपको। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लिया, व्हाई डू यू नीड डिजिटल मार्केटर टू हैंडल योर ऑनलाइन बिजनेस। आपने अगर ऑब्जर्व किया हो, मैंने हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल किया, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, आई का डब्ल्यू, डू का डी, यू का यू, डी का एन, जब भी हम टाइटल लिखते हैं ना, तो उसका हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो होगा वो आपका कैपिटल होगा, एक टाइटल का फॉर्मेट है। हर वर्ड जो है वो कैपिटल, वॉइस नहीं आ रही।
जी अब आ रही है आवाज, दोबारा रिकनेक्ट किया। ओके जी, अच्छा तो बात हो रही थी टाइटल की, कि टाइटल में हर जो हमारा वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, ये उसका एक फॉर्मेट, टाइटल का फॉर्मेट। मुझे इस टॉपिक पे सर्च करना है, मुझे इस पे लिखना है। जब भी हम गूगल पे सर्च करते हैं तो 99.9% जो कंटेंट लिखा जाता है वो यूएस ऑडियंस के लिए लिखा जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स के ऑडियंस के लिए लिखा जाता है। तो उसके लिए हम गूगल यूएस में जाते हैं। हम जो गूगल डेली बेसिस पे यूज करते हैं वो है गूगल पाकिस्तान, हम जाते हैं गूगल यूनाइटेड स्टेट्स में। अगर क्लाइंट आपका दुबई का है, यूएई का है, वो कह रहे जी मुझे यूएई के हिसाब में बिजनेस करना है, तो हम गूगल यूएई में जाएंगे। वो आप क्लाइंट से पूछेंगे कि आपको किस डोमेन में काम करना है, मोस्टली वो बता देता है कि मुझे इस डोमेन में काम करना है, कि इस ऑडियंस को टारगेट करना है। तो जिस भी ऑडियंस को टारगेट करना है तो उसमें जो कॉमन ऑडियंस है वो हमारी यूनाइटेड स्टेट्स की होती है। तो उसके लिए हम सिंपली गूगल पे जाते हैं, राइट साइड पे आपको सेटिंग्स की ऑप्शन नजर आ रही है, स्क्रीन पे राइट साइड पे राइट कॉर्नर में सेटिंग्स की ऑप्शन नजर आ रही है। यहाँ पे आप सर्च सेटिंग्स में जाएंगे, स्क्रोल डाउन करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे करंट रीजन आपको नजर आ रहा है, करंट रीजन सेटिंग, यहाँ पे करंट रीजन सिलेक्ट हुआ है। मैं शो मोर पे क्लिक करूंगा, स्क्रोल डाउन करूंगा और यहां से यूनाइटेड स्टेट्स को सिलेक्ट करके सेव कर दूंगा। ऊपर मैसेज आ गया, योर प्रेफरेंसेस हैव बीन सेव्ड। तो अब मैं इस वक्त गूगल यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद हूं डेटा सर्च के एतबार से। मेरे पास अब यूनाइटेड स्टेट्स के हिसाब से डेटा आएगा, मुझे वहां की ऑडियंस का डेटा नजर आएगा, क्योंकि मुझे वहां के ऑडियंस को टारगेट करना है। तो जिन्होंने वहां की ऑडियंस को ऑलरेडी टारगेट किया होगा वो लोग, या जो यूएस में बैठ के वहीं पे टारगेट कर रहे हैं वो वेबसाइट्स, वो तमाम मुझे यहाँ पे नजर आएंगी। तो टॉपिक मेरा क्या है कि व्हाई डू यू नीड डिजिटल मार्केटर टू हैंडल योर ऑनलाइन बिजनेस, मुझे क्यों एक डिजिटल मार्केट। अब इस टॉपिक को आपने ना जहन में बिठा लेना कि मुझे क्यों जरूरत है एक वो मुझे कह रहा है डिजिटल मार्केटिंग। आप देखें गूगल मुझे सजेस्ट कर रहा है कि व्हाई डू यू नीड डिजिटल मार्केटिंग, नहीं मुझे डिजिटल मार्केटर चाहिए, तो मैं इसके सजेस्ट को इग्नोर कर दूंगा। और वो रिजल्ट्स में मुझे डिजिटल मार्केटिंग ही दे रहा है, यानी कि रिजल्ट्स में डिजिटल मार्केटर नहीं आ रहा। तो इससे पता चला कि मैं तो सर्च कर रहा हूं डिजिटल मार्केटर एक पर्सन, कि मुझे एक डिजिटल मार्केटर एक इंडिविजुअल क्यों चाहिए, एक पर्सन क्यों चाहिए जो मेरे बिजनेस की डिजिटल मार्केटिंग करे, उसको ऑनलाइन ग्रो करे। गूगल मुझे बता रहा है डिजिटल मार्केटिंग, और वो रिजल्ट्स में भी मुझे, अगर आप ये देखो 10 क्लियर रीजंस व्हाई यू नीड डिजिटल मार्केटिंग, 10 रीजंस यू नीड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, वो डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहा बार बार। तो अब हम इसको डिजिटल मार्केटिंग को स्विच कर लेंगे, लेकिन टाइटल अपना मार्केटर ही रखेंगे। मुझे मार्केटर लिखना है, गूगल मार्केटिंग बता रहा है, तो मैं भी उसको मोल्ड करता जाऊंगा, हाँ मुझे फायदा हो जाएगा। डाटा मार्केटिंग का उठाऊंगा, उसको मार्केटिंग को मार्केटर करके डालता जाऊंगा। मार्केटिंग एक एक्टिविटी है, मार्केटर एक पर्सन है, एक इंडिविजुअल है, एक आइडेंटिटी है। मिसाल के तौर पे सर तला डिजिटल मार्केटर है, तो वो एक इंडिविजुअल है, लेकिन वो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, वो एक एक्टिविटी है जो वो करते हैं। तो यहाँ उसने एक्टिविटी के बारे में बात की है कि डिजिटल मार्केटिंग, हमें मार्केटर के बारे में लिखना है कि आपको क्यों एक इंडिविजुअल एक पर्सन चाहिए, एक डिजिटल मार्केटर चाहिए अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो हमने जब यहाँ पे लिखा तो हमारे पास डिफरेंट डाटा आ गया। जब भी डाटा आता है, डाटा में सबसे पहले आपके पास एक चीज अक्सर आएगी जिसके नीचे लिखा होगा अबाउट फीचर्ड स्निपेट्स, मैंने हाईलाइट किया अबाउट फीचर्ड स्निपेट्स। डाटा सर्च में इसको आपने कभी भी यूज नहीं करना, क्योंकि फीचर्ड स्निपेट्स रोज चेंज होते हैं। ये कोई भी वेबसाइट होगी नीचे की जो टॉप पे एकदम, कुछ रीजंस होती हैं इसके, इसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो गूगल इसको फीचर्स स्निपेट्स में ऐड कर देता है, इसको आप डाटा सर्च के लिए यूज नहीं करेंगे। मैंने हाईलाइट किया अबाउट फीचर्स स्निपेट्स, फीचर्स स्निपेट्स को डाटा सर्च के लिए यूज नहीं करना। उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो हम पहली 5 वेबसाइट्स ओपन करेंगे,
पहली पांच वेबसाइट्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर एंड फिफ्थ। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझ आ रही है आपको? चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। कौन कौन मौजूद है हमारे साथ? एजी और बी काइंडली रीनेम करें अपने आप को, रीनेम के ऑप्शन मौजूद है, अपने नाम अपना नाम लिखें। ओके अभी हम टॉपिक कवर करके फिर एंड टाइम क्यूरीज पे आते हैं, ठीक है? तो कोई पॉइंट हो तो आप लोग नोट डाउन कर लें, एंड टाइम डिस्कस करेंगे उसको। अब पांच वेबसाइट्स मैंने कहा जी ओपन करनी है आप लोगों ने, पहली पांच से डाटा पहली बात मिल जाता है। इनकेस नहीं मिलता तो हम छठी पे जाएंगे, सातवीं पे जाएंगे, आठवीं पे जाएंगे, फिर भी नहीं मिलता तो गूगल के बहुत सारे पेजेस होते हैं, हम नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। वेबसाइट तो ओपन कर ली, मैंने करना क्या है इनका? सबसे पहले तो मैं इनके टाइटल को और अपने टाइटल को मैच करूंगा। स्टेप वन, डाटा सर्च का स्टेप नंबर वन क्या है? मैच योर कॉन्टेंट या मैच योर टाइटल्स। जो साइट्स आपको गूगल ने सजेशंस में दी है ना, आप उनको उनका डाटा, उनका टाइटल अपने टाइटल के साथ मैच करेंगे। मेरा टाइटल क्या है कि मुझे एक डिजिटल मार्केटर क्यों चाहिए बिजनेस को हैंडल करने के लिए, वो मुझे क्या बता रहा है, वो मुझे क्या बता रहा है कि 10 क्लियर रीजंस व्हाई यू नीड डिजिटल मार्केटिंग, रीजंस कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग क्यों करवानी चाहिए, क्या वजूहत है। लेकिन हम तो डिजिटल मार्केटर की बात कर रहे हैं। अच्छा हम इसको डिजिटल मार्केटिंग कर देते हैं, अभी आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर है, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। हम इसको डिजिटल मार्केटिंग कर देते हैं। हमें डिजिटल मार्केटिंग क्यों चाहिए अपने बिजनेस के लिए? पहला टाइटल जो हमने ओपन किया, टॉपिक हमने ओपन किया, उसने बताया है 10 क्लियर रीजंस व्हाई यू नीड डिजिटल मार्केटिंग। तो मुझे बताएं क्या ये मैच करता है हमारे टाइटल से, इसका मकसद और हमारे टाइटल का मकसद क्या ये मैच करता है आपस में? हमारा टाइटल है कि हमें डिजिटल मार्केटिंग क्यों चाहिए, क्यों जरूरत है डिजिटल मार्केटिंग के अपने बिजनेस को हैंडल करने के लिए, और वो बता रहा है 10 वाज़े वजूहात कि आपको डिजिटल मार्केटिंग। उसने क्या कहा, उसने 10 रीजंस दे दिया आपको, सिंपल उसने आपको 10 रीजंस दे दी कि ये वो रीजंस हैं कि आपको डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत क्यों है। तो पता चल गया भी ये तो हमारे काम का टॉपिक है, अब इसमें से हम डाटा सर्च करेंगे। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसके लिंक को कॉपी कर लूंगा और अपनी उस फाइल में जिसपे मैं काम कर रहा हूं उसमें पेस्ट कर लूंगा, क्योंकि जहरी बात है मैं एक टाइम में सारा कंटेंट तो नहीं लिख रहा, हो सकता है मुझे उठ के जाना पड़े, हो सकता है मुझे लाइट चली जाए, कोई भी मसला हो सकता है। तो मैं सेफ एंड के लिए इस लिंक को सेव कर लूंगा ताकि मुझे बार बार परेशानी ना हो। नेक्स्ट टॉपिक अगेन 10 reasons you need a digital marketing strategy. क्या ख्याल है, ये सेम है? कैसे सेम है? उसने स्ट्रेटजी की बात की है, डिजिटल मार्केटिंग करवाना और डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी में फर्क है। हाँ वो अलग बात है कि मार्केटिंग के अंदर भी स्ट्रेटजी इन्वॉल्व होती है, तो यहाँ पे मुझे ये कुछ कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, तो इसको मैं एंड पे ले जाऊंगा कि इसको यार एंड पे देखते हैं। अगर तो मुझे डाटा चाहिए हुआ और इसके अंदर से मुझे कोई यूजफुल डाटा मिल गया तो मैं इसको यूज कर लूंगा, अदरवाइज हमारे पास तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं गूगल पे ऑलरेडी। तो मैं इसको सबसे एंड पे ले गया, टैब मैंने एंड पे कर दिया था, इसको मैं बाद में देखूंगा।
नेक्स्ट पे आ गया व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर स्मॉल बिजनेस. अगेन वही बात कर रहा हूँ, स्मॉल बिजनेस को टारगेट किया. तो हमारा टॉपिक क्या था कि व्हाई डू यू नीड डिजिटल मार्केटिंग टू हैंडल योर ऑनलाइन बिजनेस. अब ये स्मॉल बिजनेस की बात कर रहा है, ये भी मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, तो उसको भी मैं बाद में ले गया. नेक्स्ट पे आया द हु व्हाट व्हाई एंड हाउ ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. इसको देख लेते हैं, टाइटल तो मैच बिल्कुल नहीं कर रहा, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन किया तो मुझे बता रहा है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाई इज डिजिटल मार्केटिंग इंपॉर्टेंट, डज डिजिटल मार्केटिंग वर्क फॉर ऑल बिजनेस. तो मुझे ये लग रहा है कि इसमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जिसको हम यूज कर सकते हैं. जैसे कि पहले दो, एक स्ट्रेटजी वाला आया, एक स्मॉल बिजनेस वाला आया, चीजें मिलती जुलती है ना, तो यूज कर सकते हैं. तो इसको भी मैं आगे लेकर जा रहा हूँ, इसको भी मैं नहीं छेड़ रहा. लास्ट पे द रोल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड हाउ इट हेल्प्स योर बिजनेस. जी ये डायरेक्टली रिलेट कर रहा है, रोल है और हाउ इट हेल्प योर बिजनेस, हमारा वही मकसद था. तो ये दो टॉपिक हमें ऐसे मिल गए कि जो हमें डायरेक्ट डाटा सर्च करने में आसानी फराहम करते हैं. तो अब मैं इनको खंगालूंगा. स्टेप वन क्या हुआ कि हमने अपना टाइटल मैच किया, समझ आ रही है आप दोनों को, टाइटल मैच किया कि मुझे क्या चाहिए और जो मेरे पास टाइटल्स आ रहे हैं गूगल पे क्या वो मैच कर रहे हैं मेरे टाइटल की इंटेंशन से, जो मेरा मकसद है क्या वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा. पहला मेरा मकसद ये था, मैंने उसको मैच कर लिया और जो मुझे डाउटफुल लगे उसको मैंने साइड पे कर दिया. और ये मैं आपको बता दूं, अगर मैं सर्च कर रहा हूँ ना कि व्हाई डू यू नीड डिजिटल मार्केटिंग टू हैंडल योर ऑनलाइन बिजनेस, और आपके पास कुछ रेलिवेंट चीजें आ रही हैं जिनका टाइटल मैच नहीं हो रहा, तो उसमें 100% हमारे से रिलेटेड डाटा मौजूद होगा. क्योंकि मैं ये सर्च कर रहा हूँ तो ये साइट नजर आ रही है, मैंने सर्च किया तो ही ये तीन साइट नजर आई ना जो एंड वाली है कि व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर स्मॉल बिजनेस. इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड पर रैंक किया हुआ खुद को, ये SEO पॉइंट ऑफ व्यू आ गया. उसने भी डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड पर रैंक किया हुआ, आगे उसने स्ट्रेटजी लगा दिया और इसने जो है आगे इंपॉर्टेंट फॉर स्मॉल बिजनेस लगा दिया. इनका मेन कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग, जबकि हम सर्च कर रहे हैं व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑनलाइन बिजनेस टू हैंडल योर ऑनलाइन बिजनेस. हमने पूरा टॉपिक उठा लिया, अभी हम SEO की बात नहीं कर रहे, लेकिन मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि ये डिजिटल मार्केटिंग पर रैंक हो रहे हैं, इसलिए वो हमारे टॉपिक के अंदर डिजिटल मार्केटिंग का लफ्ज यूज हुआ है, तो इसलिए वो भी टॉप पे आ रहे हैं. तो हमने फिलहाल अपने मिलते जुलते जो डायरेक्ट जिनका कॉन्टेक्ट बन रहा है हमारे टॉपिक से, हमने सिर्फ उनको उठा लिया. टाइटल मैच हो गया. स्टेप टू क्या होगा डाटा सर्च का, कलेक्ट डेटा फ्रॉम इंट्रोडक्टरी कॉन्टेंट. अभी इंट्रोडक्टरी कॉन्टेंट क्या होता है, अच्छा मुझे दो टॉपिक मिल गए ना, एक ये और एक ये वाला, इसको भी मैं सेव कर लूँ. अब इंट्रोडक्टरी कंटेंट क्या होता है, जो टाइटल होता है ना, टाइटल मैंने हाईलाइट किया, इसे कहते हैं H1, हेडिंग वन, H1, हेडिंग वन, टाइटल को हम H1 कहते हैं, हेडिंग वन. ये मैं आगे बता दूंगा आपको, बेशक कभी ना लिखे तो उसमें, ये आगे हम H1 H2 करेंगे, डिटेल में करेंगे. अब H1 और उसके बाद जो दूसरी हेडिंग होती है वो H2 या H3 कहलाती है. हेडिंग वन, हेडिंग टू, हेडिंग थ्री, हेडिंग फोर, चार तक होती है मैक्सिमम, पांच शायद किसी को, और वो बहुत लेंथी आर्टिकल होती है. H1 और H2, ये मैंने H2 हाईलाइट किया, ये हाईलाइट नहीं कर रहा, ये H2 हाईलाइट हुआ और ये H1 हाईलाइट हुआ. H1 के फौरन बाद जो पैराग्राफ लिखा होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रोडक्टरी कंटेंट. ऑलरेडी लिखा हुआ है
फॉर्मेट भी बना हुआ है, ये ब्लॉग पोस्ट का फॉर्मेट है, हम लिख रहे हैं जनरल आर्टिकल, लेकिन डाटा मीस होता है इंट्रोडक्टरी कंटेंट कि उसने अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिखवाया, तो हम भी इसी में से डाटा निकाल लेंगे, वेरी सिंपल। अब यहाँ पे शायर क्या कह रहा है, शायर कह रहा है कि जी डिजिटल मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट, उसने पहली बात किया डिजिटल मार्केटिंग इम्पोर्टेंट है, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग से उसने स्टार्ट लिया। अब यहाँ से आपने अपने ब्रेन को एक्टिव कर लिया, डिजिटल मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट कनेक्ट्स अ बिजनेस विद इट्स कस्टमर व्हेन दे आर ऑनलाइन, यानी कि जब लोग ऑनलाइन होते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग अपने कस्टमर्स को कनेक्ट करता है। तो उसने बात की यहाँ पे इंट्रोडक्शन कंटेंट में, जो उस बंदे ने इस लिखा हुआ है, उसने इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग और कनेक्शन बिटवीन बिजनेस एंड कस्टमर्स, ये बात की है। कोई ऐसा जिसको इसमें कंफ्यूजन हो, आप दोनों भी बताइएगा जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी, ये बात की है उसने पहले सेंटेंस में, सामने इसको छोटा करके रख देते हैं, हाँ जी यही बात हुई है, ये दो पॉइंट्स हैं और ये एक मैंने मैंने लाइन एक सेंटेंस हाईलाइट किया है, डिजिटल मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट कनेक्ट्स बिजनेस विद इट्स कस्टमर व्हेन दे आर ऑनलाइन, बिजनेस और कस्टमर को कनेक्ट करता है और डिजिटल मार्केटिंग इम्पोर्टेंट है, तो मैंने दो बुलेट्स बना लिया। इसे कहते हैं डेटा एक्सट्रैक्शन, क्या कहते हैं, डेटा एक्सट्रैक्शन, में डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, जैसे कोई जूस एक्सट्रैक्ट किया जाता है ना, फ्रूट का पल्प निकाला जाता है, तो मैं इसका पल्प निकाल रहा हूँ, मैं इसको रिफाइन फॉर्म ऑफ कंटेंट निकाल रहा हूँ, ऑलरेडी मौजूद है, मुझे कोई मेहनत नहीं करनी, मुझे सिर्फ लिखे हुए में से पॉइंट्स निकालने, डेटा एक्सट्रैक्शन। तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि भाई पहले जब मैं स्टार्ट करूंगा अपने कॉन्टेंट को लिखना अपने एम एस वर्ड की फाइल पे, तो पहले मैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ लिखूंगा, फिर मैं बताऊंगा अपनी ऑडियंस को कि भाई ये एक ऐसा सोर्स है कि जिसके जरिए बिजनेस और कस्टमर्स आपस में कनेक्ट होते हैं ऑनलाइन। अगली बात क्या है कि जी एंड इज अफेक्टेड इन ऑल इंडस्ट्रीज, तमाम इंडस्ट्रीज में अफेक्टेड है, ठीक है हम इसको डिस्कस करेंगे कि हर जगह यूज किया जा रहा है। फर्दर बात कर रहा है कि इट कनेक्ट बिजनेसेस विद आइडियल कस्टमर्स, आइडियल कस्टमर एक बिजनेस है वो ऑनलाइन काम कर रहा है, तो उसका टारगेट क्या होगा, वो क्या चाहेगा कि मैं अपनी रेलिवेंट ऑडियंस तक पहुंचूं। जाहिर बात है अगर एक बंदा मिसाल के तौर पे एक बिजनेस है वो अकाउंटिंग की सर्विसेज देता है या मैं कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज देता हूं, तो मेरी टारगेट ऑडियंस क्या होगी एज अ सर्विस प्रोवाइडर नॉट एज अ ट्रेनर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी पार्टिसिपेट करें साथ साथ, तो मेरी टारगेट ऑडियंस क्या होगी, वेबसाइट ओनर्स जो वेबसाइट रन कर रहे हैं ताकि मैं उनके लिए कंटेंट लिखूं, ब्लॉगर्स जो ब्लॉग्स लिखते हैं जो अपने ब्लॉग रन कर रहे हैं, स्मॉल बिजनेस जिनकी वेबसाइट्स हैं उन्हें मैं टारगेट कर सकता हूं कि आप अपनी वेबसाइट मुझे दें, मैं उस पर कॉन्टेंट लिख के आपके बिजनेस को ग्रो करता हूँ, तो वो मेरी टारगेट ऑडियंस है। तो यही भी वो बात करें कि इट कनेक्ट बिजनेस विद इट्स आइडियल कस्टमर, चीज को ना आपने बहुत डिटेल में लेके जाना अपने दिमाग में, उसको इतना एंड पे ले जाना कि ये कहां तक जा सकता है, अपने इर्द गिर्द देखना है, हर चीज डिजिटली मौजूद है हमारे पास, डिजिटल पेमेंट्स है, इजी पैसा, जैस कैश, हर चीज मौजूद है, तो अब हर चीज से पॉइंट निकल सकता है। आइडियल कस्टमर से आप कनेक्ट हो सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के जरिए, तो अब ये एक पॉइंट आ गया कि हम आइडियल कस्टमर्स को मीट कर सकते हैं, कनेक्शन बिटवीन बिजनेस एंड कस्टमर्स, और साथ में मैं उसको बात कर रहा हूँ कि आइडियल कस्टमर्स, तो यहाँ पे मैं पॉइंट बना सकता हूँ कि टारगेट हियर पोटेंशियल ऑडियंस, आइडियल एक बहुत ही बेहतरीन कस्टमर
पोटेंशियल एक बहुत ही बेहतरीन कस्टमर, मैंने थोड़ा सा अल्फाज को घुमा दिया। टारगेट योर पोटेंशियल ऑडियंस, पोटेंशियल मार्केट, कभी सुना होगा लफ्ज पोटेंशियल क्लास, पोटेंशियल स्टूडेंट्स, पोटेंशियल टीचर्स, डिफरेंट जगह पे यूज होता है, तो मैंने उसको पोटेंशियल का लफ्ज यूज कर दिया। व्हेन दे आर ऑन गूगल थ्रू एसईओ और एनपीपीसी, फिर आगे उसने कुछ मार्केटिंग की टेक्निक्स बता दी है कि इट कनेक्ट बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग कनेक्ट बिजनेसेस विद आइडियल कस्टमर्स व्हेन दे आर ऑन गूगल थ्रू एसईओ एंड पीपीसी एंड सोशल मीडिया एंड थ्रू ईमेल मार्केटिंग, थ्रू ईमेल विद ईमेल मार्केटिंग। उसने चार मेथड बता दिए कि डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आप अपने ऑडियंस को, अपने आइडियल कस्टमर्स को अप्रोच कर सकते हैं जब वो गूगल पे होते हैं थ्रू एसईओ एंड पीपीसी। एसईओ टेक्निक है मार्केटिंग की, पीपीसी पेपर क्लिक की भी एक मार्केटिंग की टेक्निक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग। उसने तीन चार टेक्निक बता दी कि इन इन तरीकों से आप अपने कस्टमर्स को अप्रोच कर सकते हैं। आप लोग यहाँ किस तरीके से आए हैं? बैनर देखा था, बैनर कहाँ देखा था? फिजिकल देखा, व्हाट्सएप पे देखा, एड पे देखा, जिसने एड पे देखा फेसबुक पे वो सोशल मीडिया मार्केटिंग। हम लोग गूगल पे एड्स देखते हैं वो होती है गूगल मार्केटिंग। तो वही बता रहा है कि हम अपने आइडियल कस्टमर्स को अप्रोच कर सकते हैं, गूगल पे जाते हैं तो एसईओ और पीपीसी के जरिए, सोशल मीडिया पे जाते हैं तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के जरिए, और अगर हम जाते हैं ईमेल में तो ईमेल मार्केटिंग यूज होती है उसको। डिफरेंट टेक्निक्स बता दी, तो हम भी इसको एक्सप्लेन कर रहे थे कि टारगेट योर पोटेंशियल ऑडियंस, और पोटेंशियल ऑडियंस को हम कैसे टारगेट कर सकते हैं। यूजिंग एसईओ, मैं अब उस चीज को स्किप कर रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे बिल्कुल सेम सेम नहीं लिखना। मैं वो गूगल एसईओ सोशल मीडिया मार्केटिंग में उनको खत्म कर रहा हूँ। यूजिंग एसईओ सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड ईमेल मार्केटिंग एज वेल। तो मैंने वो ईमेल थ्रू ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग ऑन सोशल मीडिया, एसईओ एंड पीपीसी ऑन गूगल, मैंने वो गूगल सोशल मीडिया और ईमेल को स्किप करके डायरेक्ट लिख दिया यूजिंग एसईओ सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड ईमेल मार्केटिंग। ये हमारे मोड। अब मैंने इस पूरे पैराग्राफ में से चार बुलेट्स निकाल लिए, इससे मुझे ये समझ आई कि मैंने इनको इस स्टेप में अब लिखना है। पहले स्टेप में मैं क्या डिस्कस करूंगा, इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। दूसरे में मैं क्या डिस्कस करूंगा, कनेक्शन बिटवीन बिजनेस एंड कस्टमर्स। तीसरे में टारगेट योर पोटेंशियल ऑडियंस, और लास्ट में यूजिंग एसईओ सोशल मीडिया एंड ईमेल मार्केटिंग। आगे पढ़ते हैं जी, आगे शायर कह रहे हैं कि एवरी बिजनेस नीड्स डिजिटल मार्केटिंग, इट्स नेसेसरी यू अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिजनेस व्हिच इंक्लूड्स। अब उसने कुछ बेनिफिट्स बता दिए हमें, तो इसको हम बाद में देखते हैं, क्योंकि अभी हम क्लोजिंग की तरफ नहीं जा रहे, अभी हम सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट पे, और अभी हमारे पास और डाटा भी पड़ा हुआ है। अभी तो हमने सिर्फ एक वेबसाइट खंगाली है। बाज दफा इस तरह से होता है कि जिस तरह मैं डाटा सर सिखाता हूँ ना, अगर आप इसको बहुत इफेक्टिवली कर लेते हैं, जी वालेकुम सलाम साहब, अगर आप इसको उसी तरीके से कर लेते हैं ना, तो एक ही वेबसाइट से बहुत डाटा निकल आता है, ज्यादा साइट्स पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन लोग कहते हैं कि बाज एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, मेरा भी यही मानना है कि आप चार से पांच वेबसाइट्स पहले पढ़ें, सुकून से बैठ के फिर डाटा सेट स्टार्ट करें, तो आपके पास एक बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा, लेकिन उसमें टाइम भी बहुत लगता है। जब हमने 3-4 घंटे में एक ब्लॉग लिखना हो, एक आर्टिकल लिखना हो, तो फिर ये इंस्टेंट टेक्निक यूज होती है कि पढ़ो, तो टाइटल मैच करो, इंट्रोडक्टरी मैच करो, अगर मिल काम की बात नजर आ रही है उसकी बुलेट बना के सेट करो। अगले टॉपिक पे चलते हैं, अब इसका इंट्रोडक्टरी देखो कितना बड़ा जा रहा है, ये हाईलाइट किया, इसने तकरीबन 107 अल्फाज पे लिखा है, और जो फर्स्ट वाला था
ये 68 वर्ड्स पे इसकी भी सुनते हैं जरा ये क्या कह रहा है. ये कह रहा है जी टेक अ मोमेंट एंड थिंक अबाउट हाउ यू करंटली मार्केट योर बिजनेस. इफ यू आर ओनली प्रमोटिंग योर कंपनी थ्रू ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड्स यू आर मिसिंग एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू रीच वैल्यूएबल लीड्स थ्रू डिजिटल मार्केटिंग. वो डिजिटल मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन कर रहा है और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के साथ एक डिफरेंस बता रहा है उसका कि पहले आप रेडियो पे मार्केटिंग करते थे, बैनर्स पे मार्केटिंग करते थे, तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को फॉलो करते हैं तो आप वैल्यूएबल लीड्स, पोटेंशियल कस्टमर्स, आइडियल कस्टमर्स, वैल्यूएबल लीड्स का लफ्ज यूज कर लिया उसने डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आप अप्रोच कर सकते हैं. तो अब इस डेटा को हम इंपॉर्टेंस में इंपॉर्टेंस वाले पॉइंट पे एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर सकते हैं कि मेरे पास पॉइंट था इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. देखिए मैं तो फर्स्ट टाइम लिख रहा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है क्या है, तो मुझे पता चल गया उसने बात की कि कंपनी को प्रमोट करने के लिए ना ही सिर्फ ट्रेडिशनल मार्केटिंग बल्कि आप एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो वैल्यूएबल लीड्स को हासिल करने की, वो क्या है डिजिटल मार्केटिंग. तो इंपॉर्टेंस में हम इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यू कैन गेट वैल्यूएबल लीड्स बाय इग्नोरिंग द ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड स्टार्ट यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग फॉर योर बिजनेस. तो वहां पे हमने ट्रेडिशनल को इग्नोर करवा के डिजिटल मार्केटिंग को इम्प्लीमेंट करवाने की बात की, क्योंकि हम बिजनेसेस को भी टारगेट कर रहे हैं. हमने बिजनेस को बताना है कि आपको क्यों जरूरत है डिजिटल मार्केटिंग. फिर आगे कह रहे हैं द रोल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इज सिंपल. सिंपल क्या है कि जी हेल्प योर बिजनेस स्पेंड योर मार्केटिंग बजट मोर इफेक्टिवली. इफेक्टिव बजट यूज होता है डिजिटल मार्केटिंग में. यहां से उसने एक बात की कि हेल्प योर बिजनेस स्पेंड योर मार्केटिंग बजट मोर इफेक्टिवली. ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या होता है कि बजट आप मेजर कर रहे होते हैं कि मैंने आज कितने हजार लगाए, मैंने आज इतने लाख लगाए, मैंने आज इतने डॉलर्स लगाए, तो मेजर हो रहा होता साथ साथ. और साथ साथ वैल्यूएबल लीड्स आ रही होती है अगर आपने सही मार्केटिंग की है और गेन अ हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर योर बिजनेस. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है कि मैंने अगर 1 लाख की मार्केटिंग की तो मुझे कितना रिटर्न में आया बिजनेस. तो यही बात कर रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग का रोल बड़ा सिंपल है, तो इसको भी हम इम्पोर्टेंस में यूज कर सकते हैं. क्या रोल है जी? पहला, हेल्प योर बिजनेस स्पेंड योर मार्केटिंग बजट मोर इफेक्टिवली. इफेक्टिव मार्केटिंग बजट, मिसाल के तौर पे मैं मुल्तान के 5 कोनों में या लाहौर के 5 कोनों में पाकिस्तान के कुछ शहरों में मैं बड़े बड़े बिल बोर्ड लगवा दूंगा, तो क्या मैं गेज कर सकूंगा इस बात को कि मेरे पास उन बिल बोर्ड से कितना कस्टमर आया? तो मुझे क्या पता कि वो रेफरेंस से आ रहा है या उस अच्छा चलो जी बिल बोर्ड के जरिए उसने कहा जी मैंने आपका बिल बोर्ड देखा था, तो क्या मैं ये गेज कर सकता हूँ कि उसने किस शहर के किस कोने में बिल बोर्ड लगा हुआ देखा था? या तो मैं उससे पूछूं कि आपने कहाँ पे बिल बोर्ड देखा था मेरा, जो कि बहुत अनएथिकल है. तो डिजिटली हम क्या करते हैं, गेज कर रहे होते हैं कि ये ऑडियंस कहाँ कहाँ से आ रही है, किस एज की आ रही है, किस लोकेशन से आ रही है, किस टाइम पे आ रही है, वो हर चीज गेज हो रही होती है कि हमने अगर $1,000 लगाए हैं तो कितना हमारे पास उसमें से रिजल्ट आ गया, तो हम उसे गेज कर सकते हैं. तो ये होता है इफेक्टिव बजट. जबकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अब रेडियो पे जी आपकी एड्स होती है, इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ पंजाब, पता नहीं शायद अभी भी FM पे उसकी एड चलती हो, मेरे ख्याल से शायद ही मुल्तान की हिस्ट्री में FM के ऊपर शायद ही किसी ने इतनी एडवर्टीजमेंट नहीं किया, बट वो फिर भी गेज नहीं कर सकते कि कितना बच्चा FM से आया, सुन के आया हमारे पास एडमिशन लेने के लिए, या कितना ने बोर्ड देखा था, हम उसे गेज नहीं कर सकते. तो इफेक्टिव मार्केटिंग बजट होता है और मोर वैल्यूएबल लीड्स आती है क्योंकि हम अपने डायरेक्ट टारगेट ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं. डिजिटली हम हमारे पास ऑप्शन होती है कि हमने लाहौर की ऑडियंस को टारगेट करना है, हमने दुबई की ऑडियंस को टारगेट करना है, और वहां पर ऐसे कौन से लोग हैं जिनको हम टारगेट करना चाह रहे हैं. हमने स्टूडेंट्स को टारगेट करना है, हमने स्मॉल बिजनेसेस को पकड़ना है, हमने किसको पकड़ना है, हम किस तक अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, किस कौन हमारे काम की ऑडियंस है, तो किसको हमने कम्युनिकेट करना है, वो हम डायरेक्ट डिजिटल मार्केटिंग के जरिए कर लेते हैं. तो वही बात यहाँ पे कि ऑब्टेन मोर वैल्यूएबल लीड्स. मुझे पता है कि ना मुझे लाहौर को टारगेट करना है, लाहौर में जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं
या यूं समझ लो कि फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को मुझे टारगेट करना है, फीमेल्स भी हैं और एंटरप्रेन्योर भी हैं, तो मैंने फीमेल बिजनेस बिजनेस पर्सन को टारगेट करना, तो मैं उसी कीवर्ड को यूज करूंगा और वो एड डायरेक्ट उन तक ही जाएगी और किसी को नजर नहीं आएगी, और गेन अ हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। डेफिनेटली जब हम हर चीज को गेज कर रहे होते हैं तो एक अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा होता है। अब ये भी पॉइंट है जो हम यूज कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन के अंदर, तो मैं इनको लिख लेता हूँ वहां पे, लेकिन अगर हमें जरूरत ना पड़े तो हम इसको रिमूव कर देंगे। तो इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में हमारे पास कुछ फर्दर पॉइंट्स आए, वो क्या है कि इफेक्टिव मार्केटिंग बजट होता है हमारे पास, हम यूज कर सकते हैं इफेक्टिव मार्केटिंग बजट से गेट वैल्यूएबल लीड्स using effective marketing budget. मैंने एक ही sentence बना दिया, effective budget लगाओ, valuable leads लो, simple, वो return on investment वाले point को मैं भी देखता हूँ कहाँ adjust करना है, और return on investment, तो मैं इसको better ROI लिख देता हूँ, return on investment, इसको हम paragraph बनाते हुए देखेंगे कहाँ adjust करना, लेकिन मेरे पास एक channel, एक chain आ गई पूरी, एक pattern बना हुआ आ गया कि मुझे इंपॉर्टेंस की बात करनी है, फिर मुझे गेट वैल्यूएबल की बात करनी है, फिर मुझे बेटर रिटर्न और इन्वेस्टमेंट की बात करनी है, फिर मुझे कनेक्शन की बात करनी है, फिर मुझे पोटेंशियल टारगेट कस्टमर की बात करनी है, फिर मुझे एसईओ सोशल मीडिया और इसकी बात करनी है। अभी मेरे पास एक पैटर्न बना हुआ आ गया, मुझे स्टेप बाय स्टेप इन इन चीजों की बात करनी है, मुझे उसके अलावा किसी चीज की बात करनी है। Next we are going on this post we will explore the role of digital marketing and how it influences your business growth revenue and more if you want to see ab wo post ki taraf leke ja raha hai ki is post mein aapko ye cheez batayenge to khair abhi hamara concern nahi to abhi humne yahan se data nikal liya aur jo abhi humne nikala isko hum kuch likhne ki koshish karte hain ab zehen mein rahe ki hum likh kya rahe hain ki why do you need digital marketing to handle your online business ऑनलाइन बिजनेस की बात होती है। सो इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन ऑनलाइन बिजनेस कैन नॉट बी इग्नोर्ड। क्या ये सेंटेंस ठीक है? पैसिव वॉइस यूज किया था, cannot be ignored, नहीं यूज करना, एक्टिव वॉइस यूज करना, cannot be ignored यूज कर दिया मैंने, सेंटेंस तो बेहतरीन है चल जाएगा, लेकिन आपने प्रैक्टिस ही, अब ये आसान है बनाना, मैंने तीन लफ्ज ऐड किए मेरा सेंटेंस पूरा हो गया, तो मैं इसको क्या करूंगा, अब यहाँ पे जो गूगल कहता है, गूगल कहता है टॉक अबाउट यू, आपके बारे में बात, तो आप कौन है, वो आप है ऑनलाइन बिजनेस, मेरी टारगेट ऑडियंस कौन है, ऑनलाइन बिजनेस आप बोलो, तो मैं बात करूंगा यू योरसेल्फ एंड दे एंड देमसेल्फ, या तो मैं अगर खुद से मुखातिब करना चाह रहा हूं कि मेरी सजेशन के मुताबिक आपको ऑनलाइन बिजनेस में ये करना चाहिए, हाँ वो भी हो सकता है, इसका भी होता है, लेकिन वो मोस्टली पर्सनल ब्लॉग्स पे होता है। अगर मैं किसी कंपनी की वेबसाइट पे लिख रहा हूँ, किसी कंपनी के लिए लिख रहा हूँ, तो कंपनी अपनी ऑडियंस को बता दी कि यू योर बिजनेस योर नीड्स योर रिक्वायरमेंट्स योर बिजनेस ग्रोथ यू कैन नॉट इग्नोर द इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन ऑनलाइन बिजनेस, दैट्स इट। सादा सी बात की है, ऑनलाइन बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग, और आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। पढ़ने वाला क्या कभी क्यों इग्नोर नहीं कर सकते, वजह मैं तो करूंगा इग्नोर, मेरी मर्जी मेरा बिजनेस है, तो हम उसको बताएंगे एक मिनट रुको जरा। टू गेट वैल्यूएबल लीड यूजिंग इफेक्टिव मार्केटिंग बजट, तो यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं टू गेट वैल्यूएबल लीड्स यूजिंग इफेक्टिव मार्केटिंग बजट डिजिटल
मार्केटिंग इज एन इजी वे, आसान रास्ता है। अच्छा अब यहाँ पे एक और चीज, मैंने पहले सेंटेंस में डिजिटल मार्केटिंग यूज कर लिया, अब मैं दूसरे में डिजिटल मार्केटिंग यूज नहीं करूंगा। मैं इसको वेब मार्केटिंग कर सकता हूँ, मैं इसको मार्केटिंग थ्रू डिजिटल चैनल्स कर सकता हूँ, मैं इसको इंटरनेट बेस्ड मार्केटिंग कर सकता हूँ, ये सारे एक ही नाम है। तो मैं बार बार डिजिटल मार्केटिंग को रगड़ा नहीं करूंगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इंटरनेट मार्केटिंग इज एन एसेंशियल वे, इजी वे, यूजफुल वे, कुछ भी। अगले ने कहा अच्छा, पहले मैंने कहा आप इग्नोर नहीं कर सकते, फिर मैं उसे बता रहा हूँ कि टू गेट वैल्यूएबल लीड्स एंड यूजिंग इफेक्टिव मार्केटिंग बजट इंटरनेट मार्केटिंग इज एन इजी वे। तो रीडर को मैंने एक नई बात पॉकेट में डाल दी। वो रीडर कौन है मेरा? ऑनलाइन बिजनेस ओनर्स, ये जो ऑनलाइन बिजनेस करना चाह रहे हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बेटर आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन एडिशन इसके साथ साथ सेंटेंस स्टार्टर आ गया, बाय यूटिलाइजिंग एक्सपर्ट ऑनलाइन मार्केटिंग सर्विसेज यू कैन गेट बेटर रिटर्न ऑन। मैंने आरओआई के बजाय रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कर दिया ताकि मेरे अल्फाज बढ़ जाए और पैराग्राफ मेरा पूरा हो जाए, मेरी जान छूट जाए। You can get better return on investment. तो उन तीन पॉइंट्स को हमने पैराग्राफ में कन्वर्ट कर दिया। पॉइंट क्या थे हमारे? इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, वैल्यूएबल लीड्स यूजिंग इफेक्टिव मार्केटिंग बजट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये पॉइंट थे, उससे हमारे पास 40 वर्ड्स का एक पैराग्राफ बन गया। और अगर मैं इसका फॉन्ट साइज 12 करूं तो ये मेरा पूरा पैराग्राफ बन गया। फ्री लेंथ 40 वर्ड्स, सेंटेंस की लेंथ चेक करें, पहला सेंटेंस 11 वर्ड्स पे, दूसरा 14 वर्ड्स पे, तीसरा 15 वर्ड्स पे। यहां तक किसी को समझ ना आई पहले ये बताएं, फिर मैं आगे चलता हूं। आप दोनों को आ गई या आगे गई? और गई। अच्छा बात कर ली हमने, वही पैटर्न था आपके सामने, मैंने सेम पैटर्न फॉलो किया, मैंने खुद से कोई पैटर्न तो नहीं उठाया, मैंने सिर्फ सेंटेंस कंप्लीट किए। पनी पकाई, पकी पकाई खीर पड़ी हुई थी, मैंने उसको उठा के उसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल के उसको और अच्छा कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया। ये वही पॉइंट्स आपके सामने मैंने उठाए, लेकिन आप इसको और उसको कंपेयर कर लो, आपको वही बातें होंगी लेकिन सेंटेंसेस में फर्क होगा। एग्जैक्टली, लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है ना, हम पैटर्न वही उठा रहे हैं, इसे कहते हैं रीराइटिंग। मैंने कहा बड़े से बड़ा राइटर हो, बड़े से बड़ा ब्लॉगर हो, वो रीराइटिंग के बगैर कंटेंट नहीं लिख सकता। रीराइटिंग जब तक आपको नहीं आएगी तो आप नहीं कर सकेंगे। तो इससे जनरल आर्टिकल है, बहुत बेसिक लेवल का आर्टिकल है, तो उसमें इजीली आप सीख जाएंगे। अभी आज हम इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करेंगे आगे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? कनेक्शन बिटवीन बिजनेस एंड कस्टमर्स। अब जहन में बातें चल रही है डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस, बिजनेस ग्रोथ, कनेक्शन बिटवीन बिजनेस एंड कस्टमर्स, क्या हो सकता है, क्या सेंटेंस लिख सकता हूँ मैं इसका? यू कैन गेट, तो हमने बहुत दफा यूज कर लिया, तीन दफा यूज हो गया, दो दफा फर्स्ट पैराग्राफ। कनेक्शन बिटवीन बिजनेस एंड कस्टमर, जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप ही बताइएगा, ऑनलाइन वाले तो आधे से ज्यादा भाग गए। अच्छा, कनेक्शन बिटवीन बिजनेस एंड कस्टमर्स, इट क्रिएट्स अ कनेक्शन। अब इट से मुराद क्या है यहाँ पे? यस, तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग का लफ्ज यूज, इट यूज किया, तो अंडरस्टूड है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग की ही बात कर रहा हूं।
सेंटेंस स्टार्टर इट इट क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन. मैं स्ट्रॉन्ग का लफ्ज यूज कर लेता हूँ ताकि मैं इसको जो होते हैं ना स्ट्रॉन्ग आगे पढ़ेंगे कुछ वर्ड्स बोलते हैं इमोशनल वर्ड्स और पावर वर्ड्स. पावर वर्ड्स वो टूल भी मैं आपको करवाऊंगा उससे पता चल जाएगा. हम टाइटल्स बनाएंगे ना उसमें सीखेंगे. तो ये स्ट्रॉन्ग ये जो पावर वर्ड्स या ये जो इस तरह के वर्ड्स होते हैं ना ये आपके कॉन्टेंट को और स्ट्रॉन्ग करते हैं जब वो एल्गोरिथम में जाता है. तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो यानी कि मैं क्लेम कर रहा हूँ मैं एज अ राइटर इसको क्लेम कर रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन. अब वो कैसे हो सकता है ये बात मिस हो गई है यहाँ पर. अगली बात तो है टारगेट योर पोटेंशियल कस्टमर. तो मैंने क्या इट क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन बिजनेस एंड कस्टमर. मैंने क्लेम तो कर लिया अब इस क्लेम को मुझे जस्टिफाई भी तो करना है. अगली बात तो मैं कर दूंगा टारगेट योर पोटेंशियल ऑडियंस. अब वो क्लेम वाली बात उधर भी नहीं हुई हुई थी जहां से मैं डाटा उठाया था. इट कनेक्ट बिजनेस विद आइडियल कस्टमर व्हेन दे आर ऑन गूगल. तो मैंने कनेक्शन की बात कर दी ऊपर. तो मैं क्या करता हूं मुझे इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा डाटा चाहिए होगा ताकि मैं कुछ अच्छा सा सेंटेंस बना सकूं. स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन बिजनेस एंड कस्टमर. कंट्रोल सी गूगल पे गए. हाउ डिजिटल मार्केटिंग क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन बिजनेस एंड कस्टमर. स्टार्ट में आ गया कि डिजिटल मार्केटिंग प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू टारगेट अ स्पेसिफिक ऑडियंस. स्पेसिफिक ऑडियंस स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के जरिए स्पेसिफिक ऑडियंस दैट विल यील्ड हायर लीड्स. स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ये देखो ये एक सेंटेंस लिखा है. लर्न हाउ स्मॉल बिजनेस कैन यूज ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज टू बिल्ड एन इनकम स्ट्रीम ऑन रिपीट कस्टमर. रिपीट कस्टमर रेपिटेशन यानी कि बार बार एक कस्टमर रिपीट हो. मैं इस पॉइंट को यूज करना चाहूंगा. इट क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन कस्टमर्स द बिजनेस एंड कस्टमर्स बाय सच एज कस्टमर कैन रिपीट देयर ऑर्डर्स इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. भैया आप सर्विसेज दे रहे हो या प्रोडक्ट दे रहे हो दो ही चीजें होती है. या दुनिया में सर्विसेज बिजनेस चल रहा है या प्रोडक्ट का बिजनेस चल रहा है. तो कस्टमर जो है वो रिपीट अपने ऑर्डर्स रिपीट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. तो इस तरह से हम एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन क्रिएट कर सकते. तो मैंने उस क्लेम को थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया. जैसे हम किसी स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं ना कि मैंने एक बात की और मैं उसके लिए एक सपोर्टिंग स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि ये चीज यहाँ से सपोर्टिंग है और मैं उस क्लेम को कर रहा हूँ. मैं इस यहां से उसको वैलिड करार दे रहा हूं. फर्दर वो बात करें जी टारगेट योर पोटेंशियल कस्टमर. तो पहला पॉइंट क्या था कनेक्शन बिटवीन. नेक्स्ट टारगेट योर पोटेंशियल ऑडियंस. टारगेट योर पोटेंशियल ऑडियंस यूजिंग स्पेसिफिक डेमोग्राफ्स. अब आपको यहाँ पे सेंटेंस बनाने में मुश्किल पेश आ रही होगी मुझे पता है चेहरों से पता चल रहा है. वो मसला कैसे हल होगा. वो मसला ऐसे हल होगा कि आप लोग एटलीस्ट तीन ब्लॉग्स पढ़ेंगे. जब आप पढ़ लेंगे ना तो ये आपके लिए हलवा होगा. अगर अगर एक ही यूज करके उसी के सुनने में यूज करेंगे ना तो वो कहलाएगा रीफ्रेजिंग. रीफ्रेजिंग और रीराइटिंग में फर्क होता है. रीफ्रेजिंग में ये होता है कि मैंने एक सेंटेंस बनाया मैंने उनके तरफ सिनोनिम चेंज कर दिया. वो रीफ्रेजिंग है. उसके टूल्स भी हैं फ्री में पड़े हैं. वो एक मिनट में पकड़ा जाता है जो कि हम लोग यूनिवर्सिटी में मैंने बड़ा यूज किया है. फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता था उठाया रीफ्रेज किया लगा दिया. टीचर ने कौन सा पढ़ना होता यूनिवर्सिटी वो और प्रेजेंटेशन देने में वैसे भी शुरू से शेयर था बोल नहीं होता तो बोलता था जाकर. अब प्री राइटिंग में क्या होता है कि मुझे बुलेट निकाल के उसका मेन कॉन्सेप्ट निकाल के मुझे पूरा लिखना है सारा कुछ. मुझे उसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना जैसे कि मैं यहाँ कर रहा हूँ.
नहीं वो जरूरत नहीं, बस यही आपका फाइनल तैयार होगा, ये आपका फाइनल रेडी हो रहा है, ये आपका साथ साथ रेडी होता जा रहा है। इसके बाद इसका सिर्फ दो स्टेप रहते हैं, वो होता है ग्रामर का और एक सेंटेंस रीडेबिलिटी का। वो टूल के जरिए हम करेंगे, वो टूल करेगा, वो आप नहीं करेंगे, आप सिर्फ टूल के मुताबिक चलेंगे। इट क्रिएट स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन बिजनेस एंड कस्टमर सच एज कस्टमर, फिर मैंने आगे बात की सच एज कस्टमर रिपीट देयर ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो मैंने एक सपोर्टिंग स्टेटमेंट लगा दी। अब अगली बात है टारगेट पोटेंशियल ऑडियंस, मैं अपनी पोटेंशियल ऑडियंस को कैसे टारगेट कर सकता, कैसे कर सकता हूँ आप बताएं। मुझे एक चीज सेल करनी है या मुझे एक मैसेज कन्वे करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, क्या तरीका इख्तियार करूंगा, एडवर्टीजमेंट, एड्स लगाएंगे, और मेरे जो है वो रोल नंबर स्लिप में कोई इशू आ गया है यूनिवर्सिटी में, तो मैं कहाँ जाऊंगा, एडमिन, एडमिन हमारी टारगेट लोकेशन है, उस काम के लिए टारगेट लोकेशन एडमिन है। मार्केटिंग के टर्म में ये आपको बार बार वास्ता पड़ेगा, एक टर्म यूज होती है डेमोग्राफ, अगर अक्सर आपने पढ़ा भी होगा, अगर मार्केटिंग फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग मेरे किसी ने पढ़ा होगा, डेमोग्राफ की मेरी लोकेशन क्या है, मेरे टारगेट ऑडियंस क्या है। तो पहले मैं डेमोग्राफ डिसाइड करूंगा कि मुझे दुनिया के किस कोने में काम करना है, फिर उसके मुताबिक मैं अपनी ऑडियंस आइडेंटिफाई करूंगा। किसी ने पढ़ी भी है मार्केटिंग, हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, मतलब हर डिग्री में पढ़ाते हैं, अभी भी पढ़ी हुई फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग तो हर डिग्री में पढ़ाते हैं। अब वो डेमोग्राफ में टारगेट करूंगा और उसके बाद मैं वहां की अपनी इंटरेस्टेड ऑडियंस को उठाऊंगा कि ये मेरी इंटरेस्ट वाली ऑडियंस है, तो यूजिंग स्पेसिफिक डेमोग्राफ जो भी मेरी लोकेशन होगी, या मैं इसको सादा जबान में ले आऊं तो यूजिंग स्पेसिफिक लोकेशन, अब समझ आ जाएगा, ज्योग्राफिकल एरिया, तो मैंने इसको और आसान कर दिया कि स्पेसिफिक लोकेशन एंड इंटरेस्ट। मेरा इंटरेस्ट है कि मुझे रोल नंबर स्लिप ठीक करवानी है और मेरी लोकेशन क्या है, एडमिन सेल। मेरा इंटरेस्ट यह है कि मुझे एक स्मार्ट वॉच सेल करनी है और वो स्मार्ट वॉच है फीमेल स्मार्ट वॉच, तो मेरी लोकेशन है पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान लोकेशन होगी, और मेरा इंटरेस्ट क्या हो गया, फीमेल स्मार्ट वॉच लवर्स या फीमेल शॉपर्स, वो फीमेल जो ऑनलाइन शॉपिंग करती है और वो स्मार्ट वॉच लाइक करती है, तो मैंने उनको टारगेट किया और सिर्फ उन्हीं को अपनी एड्स दिखाई। तो लोकेशन एंड इंटरेस्ट, ये आ गया टारगेट योर पोटेंशियल ऑडियंस यूजिंग स्पेसिफिक लोकेशन एंड इंटरेस्ट, टारगेट योर पोटेंशियल ऑडियंस टू जनरेट। पोटेंशियल ऑडियंस को हम क्यों टारगेट करेंगे, क्या वजह होगी, सर में दर्द होगा, क्या होगा, मैं अपनी टारगेट ऑडियंस को क्यों ऑडियंस पोटेंशियल ऑडियंस को क्यों टारगेट करूंगा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट बिकेगी तो क्या होगा, बिजनेस बिजनेस ग्रो करेगा। सो यूजिंग स्पेसिफिक लोकेशंस एंड इंटरेस्ट टारगेट योर पोटेंशियल ऑडियंस टू जनरेट मोर बिजनेस ऑनलाइन, क्या हम ऑनलाइन बिजनेस की बात करें ना, लास्ट पॉइंट है, यहां पे मैं एक एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल यूजिंग एसईओ सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड ईमेल मार्केटिंग एज वेल ग्रैब मोर टारगेट ऑडियंस एंड हेल्प grow your business online. Last point हमारा क्या था,
एक्सप्लेन रहा हूँ, ये आपका इंट्रोडक्टरी पोर्शन कंप्लीट होता है। कोई सवाल पूछ रहे हैं, इसके बाद टास्क भी मिलेगा तो मुश्किल होगी थोड़ा। ये हाईलाइट मैंने आपको समझाने के लिए की, नहीं ये मैंने आपको समझाने के लिए की कि ये एक्चुअल पॉइंट्स थे और हमने उसको क्या से क्या कर दिया, ये सब आपको समझाने के लिए की है। इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी आपको क्लास की, देख लो रिकॉर्डिंग हो भी रही है कि नहीं हो रही, हो रही है। अच्छा तो वो ये पॉइंट्स हो गए, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वाला टास्क आप खुद करेंगे जो मैं आपको दे रहा हूँ। बॉडी, बॉडी कैसे बनेगी वो हम खुद भी परफॉर्म करेंगे, हम डिफरेंट तरह से लिखेंगे। मेरा टॉपिक क्या है कि मुझे एक डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत क्यों है अपने ऑनलाइन बिजनेस के लिए, तो मैं यहाँ पे एक एक हेडिंग और दूंगा जिसको हम कहेंगे H2, हेडिंग 2। जनरल आर्टिकल में टोटल 3 हेडिंग आती है, H1 मेरा टाइटल, H2 मेरी सपोर्टिंग हेडिंग के अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, और लास्ट रिकमेंडेशन या सजेशन, क्योंकि जिस कंपनी की वेबसाइट पे वो आर्टिकल लगा हुआ है तो कंपनी इवेंट पे रिकमेंड करेगी कि भाई देखो इफ यू नीड डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज टू ग्रो योर बिजनेस ऑनलाइन यू कैन कॉन्टेक्ट अस, आगे लिंक आ जाएगा वेबसाइट। वो इसको हम कहते हैं कॉल टू एक्शन, CTA, कि मैंने सारी कहानी डाल के उसको बेनिफिट्स बता के और एंड पे अपने ही पास ले आ गया, स्टार्ट में हम दे देते हैं 20 महीने। तो बॉडी के लिए एक हेडिंग हम यूज कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास आए थे रीजंस, 10 क्लियर रीजंस, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रीजंस। इसमें वो कैपिटलाइजेशन नहीं करनी पड़ती, जो टेक्स्ट की कैपिटलाइजेशन थी ना, हर वर्ड कैपिटल था, हर लेटर कैपिटल था वर्ड का, वो सिर्फ H1 में होगा और कहीं पे नहीं होगा। रीजंस टू यूज डिजिटल मार्केटिंग फॉर योर ऑनलाइन बिजनेस। अब यहां पे मैं बुलेट्स में रीजंस बनाऊंगा, बुलेट्स में रीजंस क्या हो सकती है, रीजंस कैन बी ये देखो ये रीजंस दी हुई है, अफोर्डेबिलिटी, ये रीजंस भी दी हुई है, कंटेंट भी दिया हुआ है, अफोर्डेबिलिटी। अब मैंने अफोर्डेबिलिटी वाले पॉइंट को एक बुलेट्स में एक्सप्लेन करना है। अब एक चीज अफोर्डेबल है तो क्या आप उसको जनरली एक्सप्लेन कर सकते हैं, भाई आपको एक चीज कहा जाएगी ये चीज बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, क्या आप उसको आम जबान में एक्सप्लेन कर सकते हैं? एग्जैक्टली, कोई चीज हमारे बजट के अंदर है, हमें हम कम पैसों में खरीद सकते हैं और आसानी से अप्रोच कर सकते हैं, चीज खराब हो जाए दोबारा परचेस कर सकते हैं, एक अफोर्डेबल फैक्टर है, बड़ी कॉमन सी बात है। तो यहाँ पे फिर हम कॉमन बातें शुरू कर देंगे कि डिजिटल मार्केटिंग इज एन अफोर्डेबल टेक्निक और प्लाव, उसको हर चीज को डिजिटल मार्केटिंग के साथ कनेक्ट कर दिया और कुछ डाटा यहाँ से उठा लिया। जैसे हम कह रहे थे डिजिटल मार्केटिंग इज कंसिडरेबली लेस एक्सपेंसिव देन अदर मार्केटिंग मेथड, नहीं बैटिंग अभी आपने बनानी नहीं, आपने बुलेट्स बना ली। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी और मोबाइल एक्सेस है, मैं बता दूं, मैं बना के दिखाता हूँ, ये आपने कंप्लीट करना है, ये बुलेट बन गए। अब मैं इसमें पैराग्राफ डाल दूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ कि डिजिटल इज एन affordable marketing technique to boost your online business presence. However, in case of social media marketing, you need some, ki main aise likh raha hu bas kuch bhi, some different techniques
because in web based marketing our main focus is to follow Google rules and regulations. एग्जाम्पल तौर पर मैंने उसको एक छोटी सी बात बता दी. एक पैराग्राफ बन गया. अफोर्डेबिलिटी से रिलेटेड मैंने बात की. अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आ गया, मोबाइल एक्सेस. अब मैं इसके ऊपर बात शुरू कर दूंगा. अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इस पे क्या लिखूं, तो मैं इसको पढ़ लूंगा. यू मे नॉट नो दिस बट 77% ऑफ द अमेरिकन एडल्ट्स ऑन अ स्मार्टफोन एंड दे आर लाइकिंग टू यूज दैट स्मार्टफोन और अनदर मोबाइल डिवाइस फॉर न्यूज़, सोशल मीडिया एंड काउंटलेस अदर एक्टिविटीज. 77% ऑफ द अमेरिकन यूथ जो है वो न्यूज के लिए, सोशल नेटवर्किंग के लिए और अदर एक्टिविटीज के लिए स्मार्टफोन डिवाइसेस यूज करती है. तो डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आपके पास मोबाइल एक्सेस होती है. आप 77% ऑडियंस को इसके जरिए टारगेट कर सकते हैं क्योंकि वो लोग हर वक्त मोबाइल पे लगे रहते हैं, वो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप टारगेट हो रहे हैं. फेसबुक पे तो यही है ना, मोबाइल में देखी थी एड, मोबाइल में वो एड चल रही होती है सोशल मीडिया पर. यहां से बात निकाली, अब इसको एक्सप्लेन किया, फिर इसको एक्सप्लेन किया. फॉर एग्जाम्पल मैं इसी के एक्सप्लेनेशन क्या लिख देता हूँ सिर्फ स्ट्रक्चर समझाने के लिए. आपको यह आ गया, फिर जरा नेक्स्ट पैराग्राफ. तो पैराग्राफ्स के पैराग्राफ्स पढ़ते रहेंगे. इस तरह से अब ये आपका पूरा एक फॉर्मेट है. मैं अगर इसको जूम आउट करके दिखाऊं तो ये यहां से स्टार्ट हो रहा है. यहां से इंट्रोडक्शन आ गया, उसके बाद एक मैंने रीजंस टू यूज डिजिटल मार्केटिंग फॉर योर ऑनलाइन बिजनेस, ये मेरी एक एच टू आ गई. अब मैं यहाँ पे वो बॉडी में मैं खुल के एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन खुल के एक्सप्लेन करने में अक्सर जो न्यू राइटर्स हैं वो मिस्टेक कर जाते हैं. तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप जो लिखा हुआ है आप उसको यूटिलाइज करो. फिर अगर हेडिंग नहीं समझ आ रही तो छोड़ दो, अगले में चले जाओ. यहां बहुत सारी बातें हैं. डिजिटल मार्केटिंग हेल्प यू अर्न एन इंप्रेसिव आरओआई, ये इतना बड़ा पॉइंट लिखा हुआ है. इसमें से वही जैसे डाटा एक्सट्रैक्ट किया, 40-40 वर्ड्स के पैराग्राफ निकालो, 40 के निकाल दो तो 600 पेज लिखने हैं, तो 12 हेडिंग 12 बुलेट्स बन जाएंगी. अच्छा फिर यहाँ पे हमने डिवीजन भी करनी है ना, इनमें से नहीं, जनरल आर्टिकल में बुलेट्स में लिखना, ब्लॉग पोस्ट में सब हेडिंग्स में जाएगा ये और कीवर्ड इंटीग्रेट होगा. अभी आप सिर्फ जनरल आर्टिकल पे रहेंगे, अभी आप ई मिस्टे रहेंगे बुलेट्स के साथ. अगर आप बुलेट्स यूज नहीं करते तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. हाँ लेकिन यही स्ट्रक्चर चल जाएगा, पढ़ने में तो आसानी होती है, बस ये रीडेबिलिटी फैक्टर होता है कि रीडर आसानी से पढ़ पाएगा. पैराग्राफ में पढ़ लेगा कोई उतना मसला नहीं, बस मैं बुलेट वाला स्टाइल यूज करता हूँ. आप इस तरह यूज करने अगर आपको क्यों कंफर्टेबल है, दोनों यूज करने हैं उसमें कोई मसला, आप इस तरह से यूज कर लो, पैराग्राफ्स बना लो. अब मिसाल के तौर पे हम पैराग्राफ्स की बात करते हैं, तो मुझे पता चला कि मेरे पास बॉडी में लिखने के लिए कितने अल्फाज थे, 600 वर्ड्स थे. तो 40 वर्ड्स का मैं एक पैराग्राफ बनाता हूँ या 45 का बनाता हूँ ऑन एन एवरेज. तो ऑन एन एवरेज अगर मैं इसको करता हूँ 40 वर्ड्स, सॉरी गलत हो गया, 40 15 small paragraphs.
तो मैंने अब 600 अल्फाज को 15 पैराग्राफ में डिवाइड किया, तो जिसका मतलब है मुझे 15 रीजंस चाहिए डिजिटल मार्केटिंग के लिए, 15 रीजंस चाहिए। मैं रिपीट कर देता हूं, इंट्रोडक्शन लिख लिया, अब हम बॉडी पे आ गए, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट बॉडी लिखोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और डाटा नहीं ढूंढ पाओगे और गलत लिखोगे। तो मुझे पता चला कि मुझे यहाँ पे 600 वर्ड्स चाहिए, ओके। और मुझे ये भी पता है कि मुझे 40 से 45 वर्ड का एक पैराग्राफ लिखना है। तो मिसाल के तौर पे मैं 40 वर्ड का एक पैराग्राफ कंसिडर करके उसको 40 पे डिवाइड करता हूँ तो आंसर आता है 15, जिससे मुझे ये पता चला कि मुझे 15 पैराग्राफ लिखने हैं और उन सबकी जो लेंथ होगी एक पैराग्राफ वो होगी 40 वर्ड्स। क्या मैं 45 का टारगेट रख लेता हूँ, मेरी मर्जी है, तो 45 को बना लूँ, मैं 50 का बना लूँ, 50 से ऊपर नहीं जाना। तो मेरे पास नंबर ऑफ पैराग्राफ्स आ गए। अब मिसाल के तौर पे 15 पैराग्राफ आ गए, तो अब मैं हर पैराग्राफ में एक बात नहीं करूंगा, मैं हर पैराग्राफ में नई बात करूंगा। तो मुझे 15 बुलेट्स चाहिए, तो 15 बुलेट्स मैं कहां से उठाऊंगा, मैं यहां पे जाऊंगा, 10 रीजंस तो उसमें दिए हुए, 10 बुलेट्स तो ये हो गई, 5 और चाहिए, तो इंटरनेट भरा पड़ा है। उसके लिए आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो रीजंस टू हायर डिजिटल मार्केटिंग, रीजंस टू हायर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, आपको बहुत सारे रीजंस मिल जाएंगे। ये देखो 10, 8, 10, 5, 5 टॉप 10 ये आ गए, आपको बेताहाशा रीजंस मिल जाएगी। तो आप उनमें से कोई रीजन उठा के 15 रीजंस पूरी करो और हर रीजन पे आपको बहुत सारा डाटा मिलेगा, तो आपने उसमें से मेन मेन उसकी क्रीम निकाल के लिखनी है। तो इससे आप एक बहुत बेहतरीन किस्म का कंटेंट जनरेट कर पाओगे। समझ आई? कोई सवाल है तो फिर पूछ ले, बाद में ये ना पता चल के समझ में नहीं, पूछ लिया करो सवाल। और उसके बाद एट दी एंड हम रिकमेंडेशन क्या होती है, किसी को रिकमेंड करना, किसी को किसी जॉब के लिए रिकमेंड कर देना, किसी को किसी प्रोजेक्ट के लिए रिकमेंड कर देना, वेरी सिंपल। नहीं, यही मैं वेट कर रहा था कोई बोले ये बात। समरी होगी ब्लॉग पोस्ट के अंदर, जनरल आर्टिकल में समरी नहीं होगी, जनरल आर्टिकल में रिकमेंडेशन होगी। मैंने पूरी कहानी बता दी, अब मैं इनको कहूंगा कि वेल डिफरेंट स्टाइल होते हैं स्टार्ट करने के, मैं वेल से स्टार्ट कर रहा हूँ या मैं स्टार्ट करता हूँ कि इट इज रिकमेंडेड, पैसिव वॉइस आ गया लेकिन यहाँ यूज कर लेते हैं, इतना चल जाएगा। तकरीबन 15% तक पैसिव वॉइस अलाउ होता है, परसेंट। मिसाल के तौर पे आपने 1000 सेंटेंस लिखे और 1000 में से आपने 150 आपके जो सेंटेंस है अगर वो पैसिव वॉइस फॉर्म में है तो गूगल उसको एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि इसकी परसेंटेज आप 3-4-5 से ज्यादा ना रखें, 3-4-5 फुल सेफ साइड पे है, बिल्कुल सेफ। सो इट इज रिकमेंडेड टू यूज डिजिटल मार्केटिंग फॉर योर ऑनलाइन बिजनेस, मैं रिकमेंड कर रहा हूं। अब मैं कह रहा हूं कि यू कैन डू इट योरसेल्फ एज वेल, बट यू नीड इनफ एक्सपर्टीज टू हैंडल योर ऑनलाइन मार्केटिंग। सेंटेंस लेंथ लगता बड़ी हो गई है, 17। अब मैं यहां पे उसको घुमा रहा हूं, रिकमेंड किया, फिर मैं उसको बता रहा हूं कि यू नीड इनफ एक्सपर्टीज टू हैंडल योर ऑनलाइन मार्केटिंग, फॉर दिस पर्पस इट्स बेटर टू हायर a
डिजिटल मार्केटर, प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सच एज, उसका नाम अच्छा। अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं कि या तो मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के ऊपर एक लिंक क्रिएट कर दूं, क्या मैं उसका नाम मेंशन कर दूं सच एज थिंग्स प्रोफेशनल क्लोज। कितने वर्ड्स हो गए? 43 वर्ड्स। टारगेट था 40 से 60 अल्फाज। ये आपका जनरल आर्टिकल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीक हम इसी को दोबारा परफॉर्म करेंगे। जब तक ये क्लियर नहीं होगा ना मैं आगे नहीं चलूंगा। दे रहा हूँ। अब दो तरीके, या तो मैं इसको ये मैंने नाम लिख दिया, या मैं इसको हाइपर लिंक कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ मैंने वेबसाइट ओपन किया, लिंक कॉपी कर लिया इसका, और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को हाईलाइट किया, राइट क्लिक करके, ये हाइपर लिंक नहीं, हम आगे मैं सिखाऊंगा आपको, राइट क्लिक करके ऑप्शन आ रही है हाइपर लिंक, तो यहाँ मैं किसी भी उसका पेस्ट कर देता हूँ लिंक। अब ये लिंक बन गया। जब ये वेबसाइट पे पेस्ट होगा ना, तो ये लिंक पे क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली उस वेबसाइट पे लैंड करते हैं। इसे कहते हैं हाइपर लिंक। ये हम आगे एसईओ का ब्लॉग पोस्ट बहुत जरूरी होती है, ये हम करेंगे। अच्छा आप लोगों की असाइनमेंट क्या है, आप लोग करोगे क्या? मैं आपको एक टॉपिक दे रहा हूँ और आपने उसी के ऊपर ना 750 वर्ड्स का एक आर्टिकल लिखना है। पूरा एक हफ्ता है आपके पास। एमएस वर्ड पे लिख लेंगे, गूगल डॉक पे लिख लेंगे तो बेहतर रहेगा। गूगल डॉक का फायदा पता है क्या होता है? गूगल डॉक आपकी छोटी छोटी ग्रामेटिकल मिस्टेक साथ साथ ठीक कर देता है। वो आप लिंक दे देना, बस वो लिंक से हम यहाँ शेयर कर देना, वो लिंक आपको यहाँ व्हाट्सएप करेंगे ना, हम यही शेयर करते हैं। एक मिनट, लिंक आप लोग देंगे, उस लिंक को यही ओपन कर लेंगे और यही हम उसको चेक कर लेंगे। जैसे प्रोसीजर मैंने बताया ना, मैंने क्या किया, मैंने पढ़ा, बुलेट निकाली, उसके बुलेट्स बनाता गया। बाद में मैंने दूसरा आर्टिकल पढ़ा, फिर जो मुझे हेल्पिंग पॉइंट्स मिले मैंने उसको ऐड कर लिया, फिर मैंने उस सबको सेंटेंस में कन्वर्ट कर। जिस दिन आपको ये टेक्निक आ जाए, राइटिंग आपके लिए ऐसे मजाक हो जाएगी। अच्छा टॉपिक अब हम लेते हैं कि चलिए जी आप इससे रिलेटेड टॉपिक लेते हैं। व्हाई डू यू need to hire professional content writers? Why do you need to hire professional content writer for your business? यही आपका टॉपिक है। और फॉर्मेट फॉलो करना है, वो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, उसमें फॉर्मेट जो मैंने बताया है उसमें ये शीट भी होगी और वो गूगल डॉक की फाइल भी मिल जाएगी आपको, जिसमें ये सारा कुछ अवेलेबल होगा, जो सारा कुछ हमने आज लिखा है ना, ये सारा कुछ अवेलेबल होगा उसके अंदर, ये पूरे नोट्स आपके अवेलेबल होंगे, वो आपने सेव रखना है, फिर हर दफा उसी को करेंगे। ठीक है जी, तो लेक्चर हमारा यहाँ पे वाइंड अप होता है। ऑनलाइन वाले सर आधे से ज्यादा तो भाग गए हैं। ठीक है, अच्छा जी, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं वो सर तला से रब्ता कर लेंगे, नंबर आपको चैट बॉक्स में शेयर किया जा रहा है, वो आप देख लें, उसको सेव कर लें। ठीक है, सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए आपको। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, आप लोगों को रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाएगी। टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।